हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी ओशन। देखिए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कुछ वैकेंसीज डिक्लेयर करी गई हैं, जो कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की है सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच के लिए। तो बात कर लेते हैं कब से फॉर्म स्टार्ट हुआ है। तो फॉर्म कल से स्टार्ट हो गया है 10 बजे से। अब लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट इसकी है 9 तारीख, यानी कि 9 मई नेक्स्ट मंथ है, 9/5/2019 शाम 6 बजे तक। और जो पेमेंट वगैरह करके और सारा कुछ जो कंप्लीट करके फॉर्म, उसकी लास्ट डेट है 12 मई है, ठीक है। तो 12 मई शाम 6 बजे तक है, ये ज़रूर से ध्यान में रखें। उसके बाद देख लेते हैं आगे कि और कुछ क्या है इन्फॉर्मेशन। देखिए, अब इसमें जो है ये ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे गेट स्कोर 2019 के थ्रू यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगा वो गेट के थ्रू होगा, ठीक है। तो जिनका भी अगर गेट क्लियर है तो इस बार वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसीज देख लेते हैं। देखिए, सिविल के लिए जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन बीटेक मांगा है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद जो टोटल पोस्ट है वो 20 है, अंडर रिजर्व की 11 है, ओबीसी 5, एससी एसटी 3 और 1, ठीक है। उसके बाद जो अगर बात करें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, तो एक ही में दे रखा है। यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसीज हैं, 2 अंडर रिजर्व की और 1 ओबीसी की है, ठीक है। अब इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जिनका है वो होगा कि ये सबसे पहले तो शॉर्टलिस्ट करेंगे जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं। उसके बाद ये गेट स्कोर के अकॉर्डिंग ये उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे, उन स्टूडेंट्स का फिर यहाँ पे इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में देखिए, यहाँ पे क्या है कि दे रखा है कि वेटेज जो गेट स्कोर का है वो 85% होगा और इंटरव्यू का होगा 15%, ठीक है। तो इस गेट का हो जाएगा 85% वेटेज है और इंटरव्यू का 15%। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 2 साल का है, 2 साल तक जो भी है प्रोबेशन पीरियड है, उससे ट्रेनिंग होगी। उसके बाद जो है आप परमानेंट उसमें जो है आपको डिपार्टमेंट पे रख लिया जाएगा। फिर इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं कुछ, तो नॉर्मल हर डिपार्टमेंट में जो भी होता वैसे ही है। बाकी जो है यहाँ पे कुछ दे रखा है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में दे रखा है कि जो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए ओबीसी एससी एसटी के, एनसीएल से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको एनसीएल का चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ पे आईडी प्रूफ वगैरह है कुछ, और जो आपका गेट स्कोर वगैरह उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, ये सिंपल सी यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है। इस वेबसाइट पर लॉगिन करके आप यहाँ पे जॉब्स पे जा करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2019 के अंडर जो है जो भी अपना फॉर्म होगा वहाँ पे जाके आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बाकी आपको फ़ोटो वगैरह ध्यान देना है, फ़ोटो वगैरह यहाँ पे लगाना, फ़ोटो सिग्नेचर जो भी डॉक्यूमेंट आपको उसमें लगाने हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि स्कैन देयर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ब्लू और ब्लैक इंक की होनी चाहिए, 4.5x3.5 का इसमें फ़ोटो होनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स अलाउड नहीं है सिग्नेचर में, ध्यान रखें। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको तैयार रखने हैं ओरिजिनल और फोटो कॉपी के साथ, ठीक है। और बाकी जो भी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपका जो है वो सब आपको वैलिड ही डालना है, तो उसमें कुछ गलती ना करें, बाकी तो नॉर्मल चीज़ें ही हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।